सिवनी जिले के अरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव में एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 23 सितंबर की है। घटना की शिकायत और एफआईआर के बाद मामले को गंभीरता से लेकर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सिवनी एसडीओपी पारुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जब नाबालिग शाम को अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित किराना दुकान में सामान खरीदने के लिए गई थी, उसी दरमियान राजेंद्र हरिखेड़े और रूपसी हरिखेड़े मोटरसाइकिल से आए और नाबालिग के बालों को पकड़ कर घसीटते हुए जंगल से लगे खेत में ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही पीड़िता का पिता पहुंचा तो आरोपी भाग निकले। पीड़ित नाबालिग और उसके पिता की शिकायत पर पुलिस ने फरार होने से पहले आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश करने के बाद भेज दिया है। सिवनी घनसौर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। ये 23 सितंबर की घटना है जिसमें प्रार्थिया 6 बजे अपने पास के किराना स्टोर में कुछ सामान लेने गई हुई थी। इसी दौरान ये दोनों जो आरोपी हैं मोटरसाइकिल से आए और प्रार्थिया को गिरा करके और उसे पास के खेत में ले गए और वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान प्रार्थिया के पिता उसे ढूंढते हुए पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर पूरी घटना देखी। वहाँ से प्रार्थिया को प्राप्त किया और आरोपी वहाँ से फरार हो गए। इसमें घटनास्थल की भी जब सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत ही आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और प्रकरण भी बेचना जारी है। ये आरोपी का नाम है राजेंद्र हरिखेड़े और रूप सिंह हरिखेड़े। वो उसी गाँव के रहने वाले हैं। उनके द्वारा 25 तारीख की संध्या 6:15 बज रहे हैं और बिरोली गांव के एक मनसा टोला में मैं खड़ा हूँ। यहाँ एक दलित परिवार है जो गांव से थोड़ा दूर है। 23/9/2020 को एक यहाँ एक घटना हुई 14 साल की एक बालिका के साथ और दो अपराधी इसी गांव के रहने वाले हैं। एक तो अपराधी ऐसा है कि अपराध उनकी कायमी कई बार हो चुकी है लेकिन प्रदेश सरकार और भारत सरकार दलित आदिवासी और पिछड़े वर्ग लोगों को बड़ी सुविधाएं दे रही है, किताबों में, पत्रों में और न्यूज़ों में। लगातार ये घटनाएं प्रदेश में चुनाव के चलते सभी विभागीय पुलिस अधिकारियों का दिमाग चुनाव पे लगा हुआ है और इतनी बड़ी जघन्य घटनाएं हो रही है जो शर्मसार कर रही है इंसान को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।